हेलो फैमिली, कैसे आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बनाएंगे दोस्तों पूरा स्टेप, पूरा रेसिपी आपको दिखाएंगे राजबोरा खजाना में। तो आप आ सकते हो व्यू पॉइंट। सबसे पहले तो स्टार्ट करते खुनाबोरा से, देख सकते हो आज पूरा फैमिली ब्लॉग है। तो आज हमारे वाइफ ने ही सारा काम कर दिया दोस्तों, देख सकते हो सारी टिक्कियाँ और मोमोज का मसाला। देखिए सबसे पहले तो आपको दिखा देते बर्गर की टिक्कियाँ बननी चालू हो गई मॉर्निंग का, देख सकते हो सुबह के बच्चों के 6:30। तो ये रहा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले तो टिक्कियाँ निकाली जाएंगी बर्गर की दोस्तों, देख सकते हो फैमिली ब्लॉग है। और ये देख सकते हो हमारा लड़का भी साथ में लगा हुआ है कार्य में, देख सकते हो सुबह का मॉर्निंग व्यू है। और आपको ले चलते सीधे खुनाबोरा से दोस्तों, ये देख सकते हो बहुत शानदार नज़ारे के साथ जो आज का मोमोज के रेसिपी और बर्गर का मसाला बन रहा है, जो टिक्कियाँ बन रही है और साथ में मोमोज का मसाला बनेगा आपको दिखाएंगे, और साथ में राजमा चावल। और ये देखिए हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है, तो अब इसमें मोमोज के मसाले में तड़का लगेगा दोस्तों, देख सकते हो बिल्कुल शानदार जायके के साथ। पहाड़ी स्टेप है, बिल्कुल एथेंटिक चूल्हे वाली रेसिपी है, देख लीजिए शानदार व्यू के साथ। सबसे पहले हरी मिर्ची डालेंगे ढेर सारी दोस्तों, ये लीजिए आगे हमारी ढेर सारी हरी मिर्ची, सब मिक्स वेल होगा और इसमें मसाला डाला जाएगा बिल्कुल एथेंटिक जायके के साथ। ये देख सकते हो तड़का लगेगा बिल्कुल पहाड़ी शेक के साथ दोस्तों, देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएगी आपको ब्लॉग कैसा लगा। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बनेगा स्ट्रीट इंडियन फूड। ये देख लिया यहाँ का नज़ारा बिल्कुल हरियाली है, यहाँ से लोहागाट बिल्कुल नज़दीक है। और ये पीले पीले फूल देख सकते हो, शानदार नज़ारा नेशनल हाईवे का, ये देख सकते हो खुनाबोरा का। अब धूप आने वाली है तो देख लीजिए बिल्कुल नज़ारा लोहागाट क्षेत्र का दोस्तों। ये देखिए उसके बाद हमारा रेसिपी स्टार्ट होगी व्यू पॉइंट में। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो रहा, तो इसको फिर परात में निकाल लेंगे, और तब तक हमारी जो टिक्कियाँ बन गई बर्गर की, ये देख सकते हो ये तैयार हो गई है। तो आप भी इंजॉय करिएगा और आ सकते हो व्यू पॉइंट में राजबोरा खजाना में दोस्तों। ये दे लीजिए हमारी टिक्किया और मसाला तैयार हो गया। उसके बाद सारा सामान पैकिंग करेंगे, जो फैमिली ब्लॉग है पार्ट टू है दोस्तों, देख सकते हो आज का दूसरा एपिसोड है, तो ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया मसाले में, और यहाँ की हरियाली देख सकते हो चारों तरफ हरे पेड़ है, पौधे लगे हुए दोस्तों देख सकते हो। और साथ में हमारा मसाला बन रहा है, जो हमारी वाइफ बना रही है मसाले को। और ये रहे हमारे चावल, जो मॉर्निंग में चावल बॉईल कर दिया है एक तरफ देखिए, और दूसरी तरफ हमारा राजमा चल रखा है। और ये मसाला देख सकते हो बिल्कुल गर्मा गर्म, और साथ में राइस। और सारा सामान पैकिंग करेंगे और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा स्टेप, पूरा स्कूटी तैयार हो गया। और अब हमारी मम्मी पानी भरेंगी, देख सकते हो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती पीने के लिए, तो 20 लीटर पानी हमारे लिए बहुत है दोस्तों, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। और ये देख सकते हो सुबह का नज़ारा है मॉर्निंग का, तो हमारी स्कूटी तैयार हो रही है देख लीजिए, और साथ में बर्तनों की धुलाई हो रही है और पानी हमारा भर दिया गया। अब आपको ले चलते हैं नेशनल हाईवे, देख सकते हो मानेसर की ओर हम निकल चुके हैं स्कूटी से। अब पूरा स्टेप, अब मानेसर में सामान लिया जाएगा, पनीर और प्याज और टमाटर ले जाएंगे दुकान से, हरी भरी बिल्कुल फ्रेश सामान लिया जाएगा, और आप आ सकते हो। और ये रहा मानेसर का स्टेशन दोस्तों, ये देवदार के हरे हरे पेड़ हैं और ये नेशनल हाईवे है, तो आप भी आ सकते हो राजबोरा खजाना में। और आपको दिखाएंगे सीधा व्यू पॉइंट दोस्तों मानेसर, तो व्यू पॉइंट का नज़ारा दिखाएंगे और आप ज़रूर आएगा। ये देख सकते हो मानेसर मंदिर का नज़ारा दिखा देते हैं, यहाँ से पूर्णागिरी माता का मंदिर दिखाई देता है। अब हम आ चुके हैं व्यू पॉइंट मानेसर की तरफ दोस्तों, ये देख सकते हो डाउन में स्कूटी चलेगी है, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे राजबोरा खजाना का पूरा नज़ारा दोस्तों, ये लीजिए आ चुके हैं राजबोरा खजाना में। तो अब आपको दिखा देते हैं यहाँ का व्यूज, देख सकते हो। और ये अपना सामान भी आ चुका है, और ट्रेडिशनल रेसिपी चालू होंगी। और ये दिखा देते हैं आपको चंपावत का हसीन नज़ारा, आज बहुत सारा कोहरा लगा है तो दिख नहीं रहा, और ये देख सकते हो। तो आप आ सकते हो राजबोरा में, ये देख सकते हो, और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से हम आ चुके हैं राजबोरा खजाना में। ये देखिए हमने चावल चढ़ा दिया, दिखा देते हैं आपको। और ये रहा हमारा
राजमा में तड़का मार दिया और साथ में हमारा मोमोज का मसाला। मोमोज बनाने की तैयारी चल गई और ये हमारा स्टीम राइस बन रहा, तो इसमें दम लगा देते, ये देखिए। और ये हमारा राजमा, तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। और ये अपना रहा राजबोरा खजाना, तो आप आ सकते हो व्यू पॉइंट मानिस देते फिर से। ये देखिए राजबोरा खजाना में आज का स्पेशल है जो राजमा चावल। ये देखिए राजमा में तड़का लगा दिया और साथ में मोमोज का मसाला। और ये रहा हमारा चावल बन रहे दम वाले दोस्तों, देख सकते हो। और रेसिपी को आपको कैसी लगी शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा दोस्तों, धन्यवाद।